दोस्तों, आज का टॉपिक है गियर क्यों स्लिप मारता है और किस वजह से मारता है। दोस्तों, हमारे पास में ZF-S6 का गियर खुला हुआ है और इस वीडियो में हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि गियर क्यों स्लिप मारता है और किस वजह से मारता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और मेरा YouTube चैनल मैकेनिक ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल मैकेनिक ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे पास में 3 नंबर और 4 नंबर गियर का सेट, और ये 3 नंबर 4 नंबर गियर में ही हम बताएंगे। तो देख सकते हैं, ये है सैंक्रो कोन और ये है सैंक्रो रिंग। तो देख सकते हैं सैंक्रो कोन और सैंक्रो रिंग के बीच में कोई भी गैप नहीं बचा है, और देख सकते हैं उसके जो कॉलर है, सैंक्रो कोन का जो कॉलर है, उस कॉलर से सैंक्रो रिंग अंदर जा रहा है। मतलब सैंक्रो रिंग का गाला कट चुका है, इस वजह से सैंक्रो रिंग से पूरा का पूरा चिपक जा रहा है। दूसरा डॉग क्लच, इस डॉग क्लच के टीथ किनारे किनारे से घिस जाते हैं, इस वजह से भी गियर स्लिप मारता है। ठीक है, अब चलिए हम 3 नंबर और 4 नंबर गियर का सैंक्रो कोन और सैंक्रो रिंग को देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, 3 नंबर और 4 नंबर गियर का भी सैंक्रो रिंग सैंक्रो कोन से एकदम चिपका हुआ है, उसी प्रकार से ये कॉलर उसका बाहर निकला हुआ है। तो दोस्तों, हम अभी आपको बताएंगे नया सैंक्रो रिंग डाल के सैंक्रो कोन में ये गैप रहना नहीं चाहिए। ठीक है, ये सैंक्रो रिंग कट चुका है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो देख सकते हैं, ये है सैंक्रो, नया सैंक्रो रिंग, और देख सकते हैं ये दोनों के बीच में कितना गैप है। ठीक दोस्तों, ज़्यादातर सैंक्रो रिंग ही कटता है, सैंक्रो रिंग कटने की वजह से ये गियर स्लिप मारता है। दोस्तों, हम जब भी गियर बॉक्स ओपन करते हैं तो आप सारे गियर का सैंक्रो कोन और सैंक्रो रिंग को रख कर इसी प्रकार से आप चेक कर लें, सैंक्रो कोन और सैंक्रो रिंग के बीच में गैप होना चाहिए। अगर नहीं तो गियर स्लिप मारना स्टार्ट कर देगा, या तो अगर गियर नहीं स्लिप मार रहा है तो 1-2 महीने बाद में मारना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी आप इस प्रकार से अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपके पास तो सैंक्रो रिंग को चेंज कर दें। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने गियर हब में फिट कर दिया है, और चलिए हम इस सैंक्रो रिंग को दबा कर देखते हैं। तो देख सकते हैं, हमने हब को दबा के रखा है, उसके बाद में इस सैंक्रो रिंग को अगर अपन इस प्रकार से हिलाते हैं, सॉरी थोड़ा सा जाम हो गया है, फंस गया है, तो देख सकते हैं ये इतना सारा गैप आ रहा है। तो इस गैप से क्या होगा, जो सैंक्रो किट लगता है वो यहाँ से निकल जाता है या फिर यहाँ से स्लिप मार देता है। तो दोस्तों, एक तो हो गया सैंक्रो रिंग, दूसरा हो गया सैंक्रो किट, और तीसरा हो गया डॉग क्लच। तो दोस्तों, चलिए हम एक बार नया को डाल के देख लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये नया सैंक्रो रिंग है। हम सैंक्रो कोन में अगर लगाते हैं और उसके बाद में गियर हब को लगाने के बाद में हम देखते हैं, तो देख सकते हैं सैंक्रो जो कोन है उस साइड में गैप आ रहा है। मतलब इतना दबाने के बाद में भी मतलब इतना गैप रह रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, ये तो हो गया मेन शाफ्ट गियर स्लिप मारने का प्रॉब्लम। और ये देख सकते हैं, ये है सैंक्रो किट, ये स्प्रिंग लूज हो जाने के बाद भी गियर स्लिप मारता है, और ये सैंक्रो किट कट जाने के बाद भी गियर स्लिप मारता है। तो चलिए और आगे बताते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है ब्रास पेड। ZF-S6 गियर में टोटल 6 ब्रास पेड लगते हैं, ये ब्रास पेड कट जाने से भी गियर स्लिप मारता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में और आगे चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा सिलेक्टर असेंबली। दोस्तों, ये सिलेक्टर असेंबली का जो लीवर है, ये लीवर अगर कट जाए तो भी गियर स्लिप मारता है। ठीक है, देख सकते हैं, ये ब्रास पेड का जो लीवर है, इसका कॉलर में कट जाता है तो भी गियर स्लिप मारता है। चलिए उसके बाद हम चलते हैं गियर लीवर के पास। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये गियर लीवर है, और ये देख सकते हैं, ये है गियर झाला। दोस्तों, वो गियर झाला कट जाने से भी गियर स्लिप मारता है, और देख सकते हैं, ये गियर बॉक्स पास में एक रॉड दिया हुआ है, गियर एडजस्टिंग रॉड, इस रॉड का एडजस्टिंग रॉन्ग होने पर भी गियर स्लिप मारता है। दोस्तों, आपको ZF-S6 गियर बॉक्स का पार्ट किट लग चाहिए तो आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों।